बहुत लोग कहते हैं कि हमें स्कूल में बहुत सारे लाइफ के इम्पोर्टेंट स्किल्स नहीं सिखाए जाते, जैसे कि पैसा कमाना। चले जा, कुछ नहीं बताऊंगा। हट हट हट, क्या नहीं, हट 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 हट। ऐसे ही एक बोरिंग दिन एक A4 शीट आके मेरे पैर पे गिरी। और आविष्कार हुआ पेपर मनी का। अरे भाई कहाँ जा रहा है, और ये तेरे शर्ट के बटन क्यों टूटे हैं? अरे कुछ नहीं भाई, एक लड़के से लड़ाई हो गई, उसने बटन तोड़ दिए, जा रहा हूँ उसे सबक सिखाने। तो ये थी हमारी खुद की करेंसी, जिसकी वैल्यू 0.1 रुपीस थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके इसकी फोटोकॉपी करवाई। रुपीस? तीन अजीब सी शक्ल के बच्चे मेरी दुकान पे आके कुछ अजीब सी चीज प्रिंट कराने के लिए। कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद हमारी करेंसी क्लास में यूज होने के लिए तैयार थी, जहाँ से PM को रुपी और रुपी को PM में कन्वर्ट किया जा सकता था। एक कॉपी में सबका हिसाब रखा जाएगा और हर नोट तभी वैलिड होगी जब उसमें बैंक के तीनों मेंबर्स का साइन होगा। अब बारी थी पेपर मनी की मार्केटिंग करने की। भाई मेरा भरोसा कर, ये बहुत यूजफुल है भाई, तेरी कसम। बच्चे इसका यूज पैसा कमाने के लिए कर सकते थे, कोई काम हो तो PM दो, बाद में वो PM को एक्चुअल रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते थे। हाँ, पेंसिल चाहिए, 10 PM निकाल। पैसा। उस दिन मैंने कैपिटलिज्म के साइड इफेक्ट्स देखे, जिस दिन हर छोटे से छोटे काम के लिए जो लोग एक दूसरे के लिए फ्री में करते थे पेड़ हो गए थे, क्योंकि लोगों के पास एक इजी वे ऑफ एक्सचेंज आया, जो दिखने में बस एक पेपर था और एक्चुअली पेपर ही था, पर एटलीस्ट उसकी एक वैल्यू थी। जो भी हो, पेपर मनी का प्लान बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा था। लेकिन फिर सारे पेपर मनी को टीचर ने जब्त कर लिया। सारे करेंसी होल्डर्स और वो लोग जिन्होंने करेंसी खुद तो नहीं खरीदी थी पर दूसरों से कमाई थी, वो भी बैंक की तरफ दौड़े। पता नहीं क्यों पर 30 रुपए बच गए, जिसे क्लेम करने कोई नहीं आया। उससे हम तीनों ने ठेले पर से बर्गर खा लिया।